मैं जहाँ आ रहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जहाँ सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए कई स्कीम लेकर आती है, वहीं ग्वालियर जिले के स्कूलों में कई पेड़ लगाए गए हैं लेकिन उसको काटे जा रहे हैं। क्योंकि आपको जैसे पता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, और अगर हम आज पेड़ को काट देंगे और हमारे आसपास की जगह से ही पेड़ को काट दिए जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आज इसी को विरोध में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरार की उपाध्यक्ष और सचिव किशोर बालिकाओं ने यह मुद्दा रखा है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए। अगर कहीं पेड़ आपके आसपास कटते हैं तो आप उन्हें रोकें, क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिल पाएगा। सरकार और हम सब लोग पर्यावरण को बचाने के लिए हर घर घर, हर पार्क, हर चौराहों पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। वहीं शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में एक पेड़ को, हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है जो कि काफ़ी अनुचित है। इसके संदर्भ में बच्चों ने विरोध किया के बाद भी वो पेड़ों को काट दिया गया है। हमारा आग्रह है कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ स्कूलों में होती हैं वो अनुचित हैं। जहाँ पेड़ लगे हैं उसको बचाने के लिए प्रयास करें। यदि किसी पेड़ के लगाने से अड़चन आ रही है तो उसको शिफ्ट कराएं, न कि हम पेड़ों को काटें। जो पर्यावरण को हम क्षति पहुंचा रहे हैं तो ये कितना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। कोरोना की जो लहर आई थी, इससे पेड़ों से हमें एक तरह से पर्यावरण शुद्ध होता है, और जैसे हम पेड़ काटते हैं तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ये हमें बहुत लोगों ने बताया और हमने ये अनुभव भी किया है, तो लेकिन अभी तक हमें कोई सुधार नहीं आया है। और ये देखिए पेड़ हमारा कटे पड़े हुए हैं, तो इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो सब सख्त खिलाफ हूँ इनके। हमें लेकिन यहाँ पर ये पेड़ों को काटा जा रहा है, मैं इसके सख्त विरुद्ध हूँ। जिससे मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करें, जिससे ये पेड़ों का बचाव हो सके, पर्यावरण शुद्ध हो सके, हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। आप सब जानते हैं कि इस समय पर फैक्ट्रियों के कारण बहुत सारा धुआं प्रदूषण होता जा रहा है। पेड़ ही हमारी मदद करते हैं और उन्हीं को काटा जा रहा है, तो कृपया करके हमारी मदद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।